सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आप कक्षा 5 में पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत को समझने के लिए आपको संस्कृत के शब्दों व वाक्यों का ज्ञान होना चाहिए। पहले हम अपने वाक्यों को समझ लेते हैं। संस्कृत में वाक्यों को 3 भागों में बांटा जाता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता आपको कार्य को करने वाला होता है, कर्म जो कार्य किया जाता है वह आपका कर्म है, और क्रिया जिससे कार्य के होने का पता चलता है। जैसे आपका यहाँ पर मैंने सामान्य वाक्य लिया है, रामः विद्यालयं गच्छति। इस वाक्य में आपका इस कार्य को करने वाला कौन है? राम। इस वाक्य में आपका जो कार्य हो रहा है वह है विद्यालय जाना, और इस वाक्य में जो जाना शब्द आया है वह आपकी क्रिया है। कर्ता के रूप आपके शब्द रूप के रूप में चलते हैं, और क्रिया के रूप आपके धातु के रूप में चलते हैं। आज हम अपने वाक्य के प्रथम भाग शब्द रूप का ज्ञान प्राप्त करेंगे। वाक्य समझने के बाद अब हम अपने यहाँ पर शब्द रूपाणी जो आपके शब्द रूप हैं उनको समझेंगे। उसमें आप पहले आकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग शब्द को समझेंगे। आकारांत पुल्लिंग कहने से अर्थ है कि अ स्वर से अंत है जिसका, वह। इसको हम यहाँ पर वर्ण विच्छेद के अनुसार समझ लेते हैं कि आकारांत आप कैसे जानेंगे। यहाँ पर आपका शब्द है राम। राम का यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप उसमें देखेंगे अ स्वर आपका अंत में आया है, तो राम को आप आकारांत कहेंगे। रमा, रमा का यदि आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंतिम वर्ण आपका आ, आ है, तो रमा के जब आप शब्द रूप सीखेंगे तो वह आपके आकारांत शब्द रूप होंगे। शब्द रूप में हम राम आकारांत पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप देखेंगे। यहाँ पर आपकी विभक्तियां दी हुई है। यहाँ आपके एकवचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हुए हैं। एकवचन आपका एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन में आपके दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, बहुवचन में आपका 3 या उससे अधिक जो भी आपके व्यक्ति होंगे उनके लिए आपका बहुवचन का प्रयोग होगा। अब आप अपने राम अकारांत पुल्लिंग शब्द देख लीजिए। रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामै, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामियो रामाणाम, रामे रामियो रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे रामः। यदि यह आपको याद करने के लिए कहा जाए तो आपको बहुत ही कठिन लगेंगे, लेकिन जिस तरह से हम आज अपने अकारांत पुल्लिंग शब्द याद करना सीखेंगे उससे आप बहुत ही आसानी से अपने शब्द रूप याद कर पाएंगे। हम अपने शब्द रूपों को एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में एक साथ नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए हम कुछ अलग ही तरीका अपनाएंगे। जैसे पहले हम अपने एकवचन के रूप याद करेंगे, उसके बाद हम अपने बहुवचन के रूप याद करेंगे, और अंतिम जो आपके होंगे वह आपके द्विवचन के रूप हम याद करेंगे। तो हम अपने तरीके से एक बार दोबारा देख लेते हैं। एकवचन का रूप देखेंगे पहले, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, हे राम। यदि आप ऐसे याद करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही आसान होगा। एकवचन देखने के बाद हम अपने बहुवचन देख लेते हैं, रामः रामान रामै रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु, हे रामः। इसके बाद हम अपने द्विवचन देख लेते हैं। द्विवचन में आप ध्यान देंगे तो आपको केवल 3 ही शब्द याद करने हैं, वह आपके है रामौ रामौ। ये दोनों आपके एक समान है प्रथम और द्वितीय विभक्ति में। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के शब्द आपके एक समान है, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति भी आपका एक ही समान है, रामयोः रामयोः। तो आप अपने केवल 3 शब्दों को ही याद करके द्विवचन के रूप याद कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपने द्वारा बनाए गए नोट्स के माध्यम से अकारांत पुल्लिंग के एकवचन के रूप समझाऊंगी। जो हमने अभी अकारांत पुल्लिंग में राम के शब्द रूप देखे हैं उनके स्थान पर मैंने आपका बालक शब्द जो आपका अकारांत शब्द है उसके रूप बनाए हैं। इसको सीखने के लिए आप ऐसी ही तालिका बना लीजिए। यहाँ पर आपकी विभक्तियाँ हैं, यहाँ पर मैंने कारक चिन्ह लिखे हैं, यह आपके अकारांत शब्द है
और यह आपकी पहचान है। कारक चिन्ह की वीडियो मैं आपकी पहले ही बना चुकी हूँ, एक बार आप उसे देख लीजिए, क्योंकि वाक्य में आपका कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी यह आप अपने कारक चिन्ह के द्वारा ही पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ने कारक चिन्ह में आपकी प्रथम विभक्ति होती है, को कारक चिन्ह में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार आप इन चिन्हों के द्वारा अपनी विभक्तियों को पहचान सकते हैं। अब हम अपने आकारांत पुल्लिंगे एकवचन के रूप देख लेते हैं। इसमें मैंने एकवचन के रूप लिखे हैं बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके। इनमें आपकी क्या पहचान है जिससे हम अपने आकारांत शब्द के एकवचन के रूप पहचान सकते हैं, वह लिखी है। प्रथम विभक्ति में आपकी जो पहचान है वह आपकी अह, द्वितीय विभक्ति में अम, तृतीय विभक्ति में आपके मैंने दो शब्द लिखे हैं एन और एण। एन आपका जो शब्द होगा वह आपका सामान्य रूप से सभी शब्दों में प्रयोग होगा, लेकिन जो आपका एण शब्द प्रयोग होगा वह आपका केवल उन्हीं शब्दों में प्रयोग होगा जिन शब्दों में आपकी रा की ध्वनि आ रही है। यदि आपके शब्द में रा की ध्वनि आ रही है तो आप एण का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप एन का प्रयोग करेंगे। बालकाय चतुर्थी विभक्ति में आप आय प्रयोग करेंगे, पंचमी में आप आत और षष्ठी विभक्ति में आप अस्य प्रयोग करेंगे, सप्तमी विभक्ति में आपकी ए, ए की मात्रा यहाँ पर जैसे प्रयोग हो रही है यह प्रयोग करेंगे। इन पहचान से आप अपने किसी भी आकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप बना सकते हैं। आकारांत पुल्लिंग एक वचन देखने के बाद आप अपने आकारांत पुल्लिंग बहुवचन के शब्द रूप भी देख लीजिए कि वे आप कैसे बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आपकी विभक्तियाँ हैं, यह है आपके कारक चिन्ह। यहाँ पर मैंने आपका जो शब्द लिया है वह आपका आकारांत शब्द में बालक शब्द है, यह आपकी पहचान है। आकारांत शब्द के बहुवचन को हम देख लेते हैं, बालकः, बालकान, बालकै, बालकेभ्य, बालकेभ्य, बालकानां, बालकेषु। इसमें जो आपकी पहचान है जिनसे आप अपने इन शब्दों को पहचान सकते हैं वह है आपकी प्रथम विभक्ति में आह, द्वितीय में आन, तृतीय विभक्ति में ऐ, चतुर्थी विभक्ति में एभ्य, पंचमी विभक्ति में एभ्य, षष्ठी विभक्ति में आनाम और आणाम। यह आपके ऐसे ही प्रयोग होंगे जैसे हमने आपके एक वचन की तृतीय विभक्ति में समझाए थे। यदि आपके शब्द में रा की ध्वनि है तो आप आणाम प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप अपने आनाम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जैसे आपके बालक शब्द है, बालक शब्द में आपकी रा की ध्वनि नहीं है तो हमने आनाम प्रयोग किया है। सप्तमी विभक्ति में आपका एसु इस प्रकार प्रयोग होगा। इन पहचान को आप अपने किसी भी आकारांत शब्द में प्रयोग करके अपने आकारांत बहुवचन के शब्द बना सकते हैं। हमने जो भी आपके एक वचन के रूप के शब्द और उनकी पहचान देखी है उसको हम एक बार प्रयोग करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपका शब्द लिया है बालक। आप सभी विभक्ति में बालक शब्द लेंगे और उनके साथ आप अपनी पहचान वाले शब्द लिखेंगे। अब हम इनको कैसे प्रयोग करेंगे इससे आप देख लीजिए। इसमें हम अपनी संधि का नियम प्रयोग करेंगे। आप अपने बालक शब्द में अपनी पहचान की संधि कर देंगे तो आपका शब्द बनेगा बाल कहा। ऐसे ही आप अपनी द्वितीय विभक्ति में करेंगे, शब्द बनेगा आपका बालकम। तृतीय विभक्ति में जो मैंने आपको नियम बताया है कि यदि आपकी रा की ध्वनि आपके शब्द में आ रही है तो आप एन का प्रयोग करेंगे, वरना आप अपने एन का प्रयोग करेंगे तो शब्द बनेगा आपका बालकेन। आप अपनी चतुर्थी विभक्ति में भी ऐसे ही प्रयोग कीजिए। आप बालक शब्द में जो आपकी पहचान है आए उसको आप संधि करेंगे तो शब्द बनेगा आपका बालकाय। पंचमी में बालकात, षष्ठी में भी आप ऐसा ही करेंगे तो शब्द बनेगा आपका बालकस्य और सप्तमी में बालके। देख लेते हैं, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके। तो देखा आपने, अपनी पहचान से आप किसी भी अकारांत शब्द में अपने अकारांत शब्द रूप कितनी आसानी से बना सकते हैं। ऐसा ही अभ्यास आप बहुवचन पे करेंगे। बालक के शब्द रूप पर मैंने आपके पहचान के साथ आपको शब्द रूप बनाना सिखाया है। इससे अलग भी आप अपने अन्य शब्दों पर अपनी पहचान का प्रयोग करके नए नए शब्द रूप बनाना सीख सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में आपके आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।